So what's up everybody, welcome back to my channel. This is Salsakar, is back again with a new day, new vlog, and I am from Bangalore live. And फ़िलहाल मैं हूँ अभी अपने मौसी के घर के छत पे. So फ़िलहाल आज का प्लान ये है कि कल ही हम लोग आए और अभी भी वो जेट लैग, वो लैथर्जिक फील है. मन नहीं कर रहा था, बट इसीलिए सब जितना जन आए हैं उतना जन नहीं जा रहे. फ़िलहाल मैं, मौसा, अंकल एंड मामा हम लोग जा रहे हैं गो कार्टिंग एंड एडवेंचर के लिए. सो राइट नाउ इट्स 3:10 इन दी नून और खाना वाना घर पे ही खा चुके हैं. फिलहाल अब जाते हैं एडवेंचर करने एंड कवर करते हैं आज का पहला व्लॉग फ्रॉम बैंगलोर. तो लेट्स गो एंड लेट्स हैव फन और आपको भी दिलाते हैं फन. तो चलो मेरे साथ, कम ऑन. एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल सिनेरियो ऑफ बैंगलोर सिटी. सो यहाँ से और एक मस्त बात यह है कि ये छत से, मेरा मौसी का फ्लैट के छत से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि फेमस है बैंगलोर पे, वो दिखता है, आपको दिखाता हूँ. सो दैट्स दी प्रोबेबली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आउट देयर. मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ही है, क्योंकि दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन बैंगलोर. पहुँच चुके हैं अपने एम्यूजमेंट पार्क पे एंड रोप है, बंजी जंपिंग है, गो कार्टिंग है. मुझे स्पेशली, मैं यहाँ पे आया गो कार्टिंग करने के लिए, बिकॉज आज कुछ सडन सा प्लान नहीं था कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे. सोचा कि घर के थोड़ा नज़दीकी था तो क्यों ना जाके वही इन्जॉय कर लेते हैं आज. फिलहाल कल का प्लान कल देखेंगे. तो फिलहाल अब यहाँ पे सब चार्जेस है, लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स. पहला एक्टिविटी ऑफ द डे वी आर गोइंग टू डू इज गो कार्टिंग एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम. मैं कभी किया नहीं गो कार्टिंग, वैसे सिलीगुड़ी में है बट आज तक मैंने कभी नहीं किया. आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट्स सी हाउ वी कैन एक्सपीरियंस दिस. देखे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड एक्सीडेंट होने का कम चांसेस है, ठोकर मारने का कम चांसेस है. लेट्स सी हाउ गुड ड्राइवर आई एम एंड देखते हैं. प्रोबेबली अभी हम लोग का टर्न है एंड आई एम बिट एक्साइटेड, बिट नर्वस. ये हमेशा से मेरा डायलॉग है, बट फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ गो कार्टिंग लाइफ में, फर्स्ट टाइम है, 18 साल में कर रहा हूँ मैं लिटरली. तो लेट्स सी, अब देखते हैं आगे मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कैसा रहता है ये. आई विल शेयर दी ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, गो कार्टिंग इज टफ मैन. और यहाँ पे तो और रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि अगर आप गाड़ी को ठोकते हो या फिर अगर ये सब जो बंकर्स है नीचे उसको उड़ा के निकल जाते हो तो फिर आपको 500 rupees फाइन है ईच क्रैश के लिए. तो उस माइंड सेट से आपको चलाना पड़ता है एंड बॉस मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था. आई विल से दैट इट वॉज रियली टफ. मैंने सिलीगुड़ी में कभी ट्राई नहीं किया, कोशिश करूँगा मैं जल्दी सिलीगुड़ी में जाकर घर पे ट्राई करूँ. बट दिस टाइम एक्सपीरियंस वॉज गुड, इट वॉज नॉट बैड. बट या कि जैसे कि मैंने बताया कि टफ था, हैंड कंट्रोलिंग वगैरह, स्टेयरिंग जो था बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत हार्ड था उसको घुमाना. और बेसिकली ये जो गो कार्टिंग का जो मतलब कि ट्रैक था वो ऐसा था, मतलब कि हिल टाइप का था, ऐसे जाके ऐसे घूम के आ रहा था. तो बेसिकली यही है. अभी जा रहे हैं हम ऊपर टावर पे जिप लाइन के लिए.
तो लेट्स गो। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं ज़िपलाइन करूँगा। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैंने ज़िंदगी में सब कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, बट आज मुझे चढ़ा है शौक, तो करते हैं। एंड यहाँ तो सीन कुछ अलग है भाई, ज़िपलाइन पे कोई गार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। कौन है, लेट्स सी। फिलहाल व्यू काफ़ी अच्छा है, बिल्डिंग्स वगैरह ज़्यादा दिखेगा नहीं आपको, बिकॉज ये जो लाइक एम्यूजमेंट पार्क बना है, ये एक रूरल एरिया के बीच में बना है। जिप लाइन का टाइम आ चुका है, बट मैं पहले नहीं जा रहा हूँ, पहले जा रहा है मेरा मौसा जी, बिकॉज मुझे देखना है कि उनका कितना फटता है, उसके बाद ही मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा इसको सोचना पड़ेगा। बिकॉज लाइक मुझे दिस इज फर्स्ट टाइम, और इतना हाइट पर है ये, और ऊपर से मेरे को ऐसे करके व्लॉग भी करना है, हैंग करके जाना भी है। वाह, इससे अच्छा तो मैं आर्मी बन जाता। बलि का बकरा मेरे को बना रहा। हेलमेट हेलमेट बस। ओके, पहला प्लेयर जा रहा है ऊपर। मनोज ये बंद ओपनिंग, फर्स्ट डाउन मनोज सिंह, सेकंड डाउन बैठे के तो ओके कंफर्म। अच्छा एक मिनट रुको। ओ भाई एक मिनट भाई, हाउ यू फीलिंग? बैठना है इतना एक्साइटेड भाई, को इतना एक्साइटेड एक्साइटेड भाई, तो मेरे को टेंशन हो रहा है भाई। चलो ना अभी ना, हाइक कितना मजा नहीं आया, डर लगता है बोलो ना, डर का डर का पता नहीं भाई, ये ऐसे रहेगा, लूज है थोड़ा बैठने तो हो जाएगा। ओके ओके, तो थोड़ी कम और निकल दिनस ला। ऑल सेट गाइस, तो हेलमेट नो। चलो आपका चश्मा नहीं खोला? नहीं नहीं, चलो लेट्स सी। मैं जा रहा हूँ गाइस, एंड मिलते हैं अगर आगे तो। चलो प्लान कर लिया, एंड मुझे मन था कि यार मैं पूरा सेटअप लेके जाऊँ और करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली लाइक वो बंदा ने मेरे को इतना लड़ा दिया कि बोला कि दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा, अगर आप पूरा सेटअप ले जा रहे हो तो आपका रिस्क है, तो ऐसे ऐसे करके। एंड आई वॉज लाइक अरे यार, मतलब कि डू और डाई का सिचुएशन था, तो मैंने अपना कैमरा जो सेटअप था वो अंकल को देकर चला गया, मैं चला गया, आपने देखा छोटा मोटा फुटेज वही बना था। एंड अब मैं क्या बताऊँ, लाइक आई एम ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड, मेरे को दोबारा से मन कर रहा है कि मैं जाऊँ, बट यू कैन सी अभी वेदर लाइक ख़राब हो चुका है, बारिश भी आ रहा है, तो सोचना पड़ रहा है, और अंधेरा भी हो गया, तो मुझे पता नहीं व्यू कैसे आने वाला है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जाने से पहले, वापस घर जाने से पहले एक बार ज़रूर आऊँगा और ये एक्सप्लोर करूँगा, और ये रिकॉर्ड करके जाऊँगा, मैं अपना ब्लॉग पर डाल के जाऊँगा। तो लेट्स सी अब कब होता है ये, पर आऊँगा ज़रूर, मेरा मन नहीं भरा अभी तक, थोड़ा प्लान में ट्विस्ट ला लिए है। एंड अभी बारिश हो रहा है तो कैब भी नहीं मिलने वाला, आई मीन हमको यहाँ से भीग भीग के नहीं जाना, दैट्स व्हाई वी हैव प्लान की थोड़ा बहुत आर्चरी कर लेते हैं, आर्चरी भी यहाँ पे, सो वी आर गोइंग फॉर दैट, एंड देखते हैं अब कितना निशाना लगा सकते हैं। यार थोड़ा सा गिले गया नहीं। गया, शिट यार गया। नहीं सर। सो आर्चरी भी डन एंड बारिश भी रुक चुकी है, क्या टाइमिंग है, जैसे आर्चरी खत्म हुआ वैसे बारिश रुक गई, नाउ वी कैन लीव दिस अम्यूजमेंट पार्क। So it was a great fun over here, and like first time मैंने आर्चरी भी की,
एंड आर्चरी इज टफ मैन, उसका बैलेंस मिला के उसको जो एक्यूरेसी में आपको मारना पड़ता है, और लाइक आप ज़्यादा अगर यहाँ तक रखोगे तो वो फोर्स बैक करके आपको अपना फीस से आपका आँख उड़ा उड़ सकता है, लाइक इट्स टफ। सो बेसिकली लाइक ग्रेट सैल्यूट फॉर ऑल दी लाइक ओलंपियंस जो आर्चरी करते हैं इंडिया के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इस लेवल पे इतना रिस्क लेके। टू बी ऑनेस्ट मैन, ग्रेट सैल्यूट, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम। एंड या मैं वापस आऊँगा ये अम्यूजमेंट पार्क पे, बिकॉज मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरे लाइक जिप लाइन से, बट मैं आप लोग को नहीं कर पाया इसका गम रहा है मेरे पास। तो मैं ज़रूर आऊँगा एंड जाने से पहले, और पूरा जिप लाइन जब जाएगा तब मैं पूरा सेटअप लेके जाऊँगा और आपको एंजॉय करवाऊँगा। तो चलो फिलहाल वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस अम्यूजमेंट पार्क।